गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मॉड्यूल एलियासिंग. आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मॉड्यूल एलियासिंग. एलियासिंग का मतलब क्या होता है? टू गिविंग अनदर नेम, है ना. जब हम किसी क्लास में किसी भी मॉड्यूल को अलग नाम से इम्पोर्ट करेंगे तो दैट इज नोन एज एलियासिंग. वी कैन क्रिएट एन एलियास. एलियास मतलब अनदर नेम. व्हेन वी इम्पोर्ट, व्हेन वी इम्पोर्ट अ मॉड्यूल बाय यूजिंग द एज कीवर्ड. क्या बोल रहा है? व्हेन we can create an alias when we import a module by using the as keyword. यानी जब भी हमको alias use करना है किसी भी module को import करने के लिए तो हम लोग कौन सा keyword को use करते हैं? as keyword. Thus Python provides silent features of renaming a module at the time of import. यानी importing के time में हम क्या कर सकते हैं? module का नाम को rename कर सकते हैं. कैसे rename करेंगे module के name को? तो लेट्स डू अ प्रोग्राम. एक हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कम टू पाइथन. पाइथन में हम लोग आते हैं पहले. पाइथन में आ गया है. अब हम लोग यहाँ पे एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अ कैलकुलेटर. फाइल में जाएंगे हम लोग, फाइल से न्यू स्क्रिप्ट नाउ. अब हम लोग क्या प्रोग्राम बनाएंगे? प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर. प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर. ठीक है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम लोग करेंगे. इस प्रोग्राम में हम लोग दो फंक्शन कैलकुलेटर बनाएंगे, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन. तो एक हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल टू सपोज 100 और फिर फंक्शन बनाते हैं डेफ. एडिशन के लिए ऐड फंक्शन बनाए, इसके अंदर दो वैल्यू रखे, दो पैरामीटर्स रखे, ए कॉमा बी, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर दिए सम इज कर दिए. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए ए प्लस. ठीक है, ए प्लस भी हम लोग ऐड कर लिए, ओपन ब्रैकेट बंद. फिर हम लोग दूसरा फंक्शन बनाएंगे डेफ, फिर फंक्शन का नाम देंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में फिर ए कॉमा बी कॉलन. ठीक है, फिर प्रिंट प्रोडक्ट is comma a into product is a into b. यहाँ दो फंक्शन हमने बनाया, वन इज ऐड फंक्शन एंड अनदर वन इज प्रोडक्ट. और मॉड्यूल को हम सेव करेंगे. मान लो इस मॉड्यूल को फाइल में जाएंगे और इस मॉड्यूल को सेव करते हैं हम लोग, एक ही फोल्डर के अंदर ही सेव करेंगे हम लोग. ठीक है, जैसे हम लोग डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाए थे, आपको याद होगा मॉड्यूल नाम से. चलिए एक फोल्डर हम बना लेते हैं इसके अंदर में. ठीक है, मॉड्यूल एलियास. और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फंक्शन का नाम, तो मॉड्यूल का नाम टेस्ट डॉट. यहाँ मॉड्यूल का नाम क्या हो गया? टेस्ट हो गया और डॉट पी वाई एक्सटेंशन. ये एक मेरा मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल क्या होता है? एक तरह से फाइल नेम विद डॉट पी वाई एक्सटेंशन होता है. और इसके अंदर मेरे पास दो फंक्शन है, एक ऐड फंक्शन है एंड अनदर वन इज प्रोडक्ट फंक्शन. एक एडिशन निकालेगा, दूसरा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन. अब एक हम लोग अनदर एक और प्रोग्राम बनाते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें इम्पोर्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट. किसको इंपोर्ट करेंगे हम लोग? तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे टेस्ट मॉड्यूल जो हम लोग पहले बनाए.
और इस मॉड्यूल का नाम अब हम लोग रख देंगे, सेव कर देंगे सेम फोल्डर में, और इसका नाम रख देंगे हम लोग प्रोग्राम prog_test1.py नाम से। और इस मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट मॉड्यूल जो पहले बनाया है उसको इंपोर्ट करें, उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं प्रिंट टेस्ट डॉट एक्स, टेस्ट मेरा मॉड्यूल है। दूसरा हम लोग लिखेंगे टेस्ट डॉट एड फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे दो वैल्यू पास करेंगे 10, 20, और दूसरा हम लोग करेंगे टेस्ट डॉट मल्टीप्लीकेशन बनाया था तो उसको प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट 10, ठीक है, ये हम लोग बना करके और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि ये जो टेस्ट मॉड्यूल है, ये जो हम लोग पहले टेस्ट मॉड्यूल, इसके अंदर हमारा ऐड और प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइन है, तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अभी हम लोग इलियास नहीं बनाए, इलियास बनाएंगे, पहले एक बार रन करके देखते हैं। ये सिंपल मॉड्यूल का प्रोग्राम है, ये रन कर गया हम लोगों का 100x का वैल्यू 100 देखे, आपका टेस्ट मॉड्यूल में x का वैल्यू 100 रखे थे और सम 30 आया और प्रोडक्ट 10 प्लस 20 30 सम हो गया, प्रोडक्ट 10 × 30 200 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे टेस्ट डॉट पी वाई से हुआ, टेस्ट मॉड्यूल से हुआ, ठीक है, टेस्ट मॉड्यूल से हो गया। अब टेस्ट मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किस में किया था, प्रोग्राम अंडर स्कोर टेस्ट। अब हम लोग रीनेमिंग करते हैं, ठीक है, एक अनदर रीनेम करते हैं, इसी प्रोग्राम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम रीनेमिंग में कैसे यूज़ करते हैं, देखिए फाइल में गए, न्यू में गए, कंट्रोल वी के, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल में गए, सेव एज में गए, अब लिखेंगे हम लोग प्रोग्राम prog_test2, ठीक है, डॉट पी वाई, है ना, और सेव कर। सेव करने के बाद अब हम लोग रीनेम करेंगे टेस्ट का नाम को एज टेस्ट, एज टेस्ट का नाम एज क्या कर दिए, एम कर दिए, टेस्ट का नाम एम कर दिए, तो एम इज द एलियास नेम। एम क्या, एम इज द एलियास नेम फॉर मॉड्यूल टेस्ट। यहाँ क्या बोला, एम मेरा क्या हो गया, एलियास नेम हो गया किस मॉड्यूल का, टेस्ट मॉड्यूल का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल का नाम टेस्ट के जगह हर जगह क्या नाम हमने कर दिया, एम। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, हम लोग एम लिखना होगा, यहाँ एम लिख दिए। यहाँ टेस्ट के जगह क्या करना होगा, चिल्ड्रन एम करना होगा, मॉड्यूल का नाम चेंज हो गया। यहाँ भी टेस्ट के जगह क्या करना होगा, हम लोग को एम लिखना होगा ना। अब रन करके देखिए, सेम उसी प्रोग्राम को ये रन करेगा, देखिए आ गया आउटपुट। तो ये हमने मॉड्यूल का रीनेमिंग करना इस प्रोग्राम में सीख लिया कि कैसे मॉड्यूल को हम लोग रीनेम करते हैं। आउटपुट को चाहो तो आप यहाँ पे मॉड्यूल को हमने रीनेम कर लिया, टेस्ट का नाम क्या कर दिया, एम। अब हम लोग सीखे मॉड्यूल रीनेमिंग के बाद नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे मेंबर एलियास, मेंबर का नाम चेंज करना, मेंबर एलियास कैसे करेंगे। लाइक मॉड्यूल एलियासिंग, मेंबर एलियासिंग आल्सो सपोर्टेड एंड इंप्लीमेंटेड इन पाइथन मॉड्यूल्स। चलिए हम लोग मेंबर एलियासिंग करके देखते हैं, ये पाइथन के प्रोग्राम है। एक हम लोग अनदर प्रोग्राम फिर से लेते हैं, ठीक है, और एक अनदर मॉड्यूल बनाते हैं, हम लोग एक अनदर प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो यहाँ पे मेंबर एलियासिंग हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग करते हैं फ्रॉम का यूज करके इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम टेस्ट एंड देन इंपोर्ट। अब हम इंपोर्ट क्या करेंगे,
एक्स मेरा एक था वहाँ पे, आपको याद होगा, उसको हम कर रहे थे एस पी नाम से, मेंबर एक था ना एक्स। अब देखिए टेस्ट वाला मॉड्यूल में, टेस्ट वाला में देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स का रीनेम हमने क्या कर दिया, एक्स का रीनेम हमने कर दिया पी से कॉमा, एक ऐड फंक्शन था, फंक्शन मेंबर मेरा क्या है टेस्ट में, क्या क्या मेंबर है, एक एक्स मेंबर है, एक ऐड मेंबर है, एक प्रोडक्ट मेंबर। ऐड मेंबर का नाम भी हम चेंज करके कर देते हैं सम। देखिए ऐड को हम कर दिए ऐड सम, ठीक है। उसी तरह कॉमा प्रोडक्ट एस मल्टीप्लीकेशन कर, ठीक है। तो ये था मेंबर था, है ना। आप देखिए यहाँ पे अगर आप आइए टेस्ट में, तो ऐड का एक्स का नाम हमने पी कर दिया, ऐड को सम नाम से कर दिया रीनेम, और प्रोडक्ट मेंबर जो है उसको मल्टीप्लीकेशन नाम से, है ना, चेंज कर दिया हमने नाम नाम, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रिंट, क्या कर देंगे हम, प्रिंट पी कर दिए एंटर, फिर सम फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं 100 कॉमा 200, 100 कॉमा 200, और प्रोडक्ट वाला जो है उसका नाम क्या कर दिए, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन 100 कॉमा। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तो रन करने के पहले ये सेव आएगा, चलिए इसको भी हम लोग सेव करते हैं एक ही फोल्डर के अंदर। इसको रखते हैं प्रोग्राम अंडर स्कोर टेस्ट, प्रोग्राम अंडर स्कोर टेस्ट 3.py, ठीक है। देखिए प्रोग्राम हमारा रन मिल गया, 100 हो गया, 300 हो गया, 20,000 हो गया। दिस इज द वे हाउ टू रीनेम बाई, हाउ टू रीनेम, क्रिएट एलियास नेम फॉर मॉड्यूल, हाउ टू चेंज द नेम ऑफ मेंबर ऑल्सो, मेंबर एलियासिंग और मॉड्यूल एलियासिंग हम लोग सीख लिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे पैकेज और लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।